No matter. Wherever you are. What you do, whoever you are. Never ever. Use plastic. Yes, I love Ladakh. I love Lahaul Spiti. I love Rajasthan. I love nature. So, Vagabond से यार वैसी जो टीम है वो है ही nature lovers की. तो आप सोच रहे होंगे vlog की thumbnail तो क्या थी? And ये तो भैया कुछ और ही कहने लग गया. Vlog वही है यार. हर की धुन ट्रंक के regarding की vlog है. And it is our day one. This time around 9 बजने वाले हैं रात के. तो around 10 बजे हमने यहाँ से निकलना है. That I will let you know later. अब पहले दो चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज हमने व्लॉग शुरू होने के पहले एक दिया है रिगार्डिंग दैट प्लास्टिक बॉटल्स कि हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए, वो रॉकेट साइंस नहीं है यार. इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि हम कहीं भी जाएं, चाहे हाई टेरेंस पे जाते हैं, चाहे हम प्लेन टेरेंस पे जाते हैं, चाहे बीच पे जाते हैं, तो वी मस्ट अवॉइड दीज प्लास्टिक बॉटल्स. एज जो ये प्लास्टिक बॉटल्स होती है वहाँ एनवायरमेंट को ख़राब करती हैं. जो भी लोग ट्रैवलर्स हैं सबको पता ही है जितनी भी हाई टेरेन्स हैं, इवन जितनी मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होती हैं, दे आर वेरी फ्रजाइल. मतलब वो नहीं टॉलरेट कर सकते ये जो हम पोल्यूशन करते हैं. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट प्लास्टिक बॉटल्स, चाहे वहाँ जाकर गंदगी फैलाना हो, जैसे लोग खाया रैपर उधर फेंक दिया, वहाँ कुछ बनाया वो उसकी जो वेस्ट है वो कहीं भी फेंक दी. सो ये सारी चीज़ें इसमें आती है यार. इवन नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन ही हो रहा है. थिंग्स आर गेटिंग वर्स. आप लद्दाख का हाल देख लीजिए आज के टाइम में क्या है. सो दिस इज़ द मैसेज. अब ये जो आई लव लद्दाख वाला था इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इससे सिग्निफिकेंस है यार, हम वहाँ से पोस्ट कार्ड ले आते हैं, घर पर चिपकाते हैं, गाड़ी में वो स्पीति वाले जो फ्लैग्स होते हैं वो लगा लेते हैं, रेफ्रिजरेटर पर मैगनेट्स लगा लेते हैं जहाँ भी जाते हैं. तो यार अगर हम वहाँ से इतनी मेमोरीज लेके आ रहे हैं, अगर हम उस जगह को इतना प्यार करते हैं, तो हमारी एक ड्यूटी बनती है अभी हम वहाँ के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, ताकि जब भी हम वहाँ जाएं हमें सेम ही फील हो. मतलब पिछले 16 सालों से लद्दाख जा रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं लद्दाख जा रहा हूँ वो डे बाई डे लद्दाख ख़राब होता जा रहा है. एंड सेम इज़ विद उत्तराखंड. सो बस यही मैसेज है यार, भी हम पोल्यूशन ना करें बिल्कुल भी, प्लास्टिक ना यूज़ करें, और बिल्कुल लिटर ना करें, गंदगी ना फैलाएं. तो अब मैंने फिर ये डिसाइड किया अभी, अब जैसे ये मेरी उत्तराखंड सीरीज़ है इसमें जितने एपिसोड्स होंगे, एपिसोड के शुरू में एक हर एपिसोड में एक या दो प्रिकॉशन बताऊंगा कि भाई कैसे हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं. अवेयर कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता भाई करना क्या है. तो आई एम जस्ट अवेयरिंग यू, आप सजेशन कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए या रिक्वेस्ट कह लीजिए. सो पहले तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द प्रिकॉशन नंबर वन, उसके बाद फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं. प्रिकॉशन नंबर वन इज़ वेरी सिंपल. हम कहीं भी जाते हैं, ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है साथ में ईटेबल्स कैरी करेंगे. और इंडिया में तो आपको पता ही है गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कर ले, यहाँ हर चीज़ प्लास्टिक में ही पैक होकर आती है, और मैक्सिमम प्लास्टिक सिंगल यूज़ होता है विच इज़ क्वाइट डेंजरस. तो क्या करें भैया, वेरी ईजी, आई विल टेल यू. ₹7 खर्चा यार, जस्ट ₹7. इट्स अ कॉटन बैग. इसका करना क्या है, आई थिंक एवरी वन नोज, अगर हम कहीं भी जाते हैं हम एक कॉटन बैग या जूट बैग साथ में कैरी करें, ताकि जो भी हम वहाँ खा रहे हैं वो रैपर सारे इसमें इकट्ठा करें और उसको वापस लाकर यहाँ पे डिस्ट्रॉय करें. और क्योंकि यार आप कहोगे यार बात तो एक ही है, वहाँ गंद फैला लिया, यहाँ फैला लिया, यहाँ कभी तो फेंकना है, तो इसको वहाँ कहीं फेंक दें. ऐसा नहीं है यार, उन जगहों पे अगर आप लद्दाख की बात करते हैं या आप उत्तराखंड की बात करते हैं, वहाँ तो इतने प्लांट्स ही नहीं हैं. हमारे यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्रॉपर प्लांट्स हैं इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए. सो ब्रिंग इट बैक. तो बस ये है यार. तो चले, ये ज्ञान तो आज का हो गया. अब इसके बाद आपको बताता हूँ हमारा प्लान क्या है, थोड़ा एंगल चेंज कर. तो यार काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था हमारा ट्रैक का, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम जा नहीं पा रहे थे. मतलब लेट होता जा रहा, तो फाइनली नाउ वी आर लीविंग फॉर उत्तराखंड. आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा. सो हरकी धुन ट्रैक जा रहे हैं, इट इज़ इन उत्तराखंड,
एंड 10 घंटे की ड्राइव है इसकी देहरादून से, देहरादून का तो सबको पता ही है। तो अब आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, चाहे आप अब्रॉड से आ रहे हैं, चाहे आप मुंबई से आ रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, लाइक वी आर लिविंग फ्रॉम चंडीगढ़, देहरादून इज़ द कॉमन पॉइंट। मतलब आपको देहरादून जाना ही पड़ेगा अगर आप हरकीदून ट्रैक प्लान कर रहे हैं। देहरादून से आपने सांकड़ी जाना है, एंड क्योंकि उत्तराखंड मैंने एक्सप्लोर तो बहुत किया है बट ये वाला एरिया मैंने नहीं किया। मतलब देहरादून से मसूरी जाना है, मसूरी से आगे ये 8-9 घंटे का रास्ता है सांकड़ी का। सांकड़ी से ट्रैक शुरू होता है या तालुका से, तालुका इज़ आई थिंक 14 किलोमीटर फ्रॉम सांकड़ी। सो वो जो भी आइटिनरी रहेगी दैट आई विल लेट यू नो ऑन दी वे, हम ट्रिप सेट कर लेंगे जीरो पे, जितने किलोमीटर्स होते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको, थिंग्स क्या कैरी करनी है। एज अभी मैं टेम्परेचर चेक कर रहा था तो सांकड़ी में अराउंड चल रहा है 7-8 डिग्री, और हरकीदून जब हम ऊपर जो पॉइंट है, जो वैली है हरकीदून जहाँ हमने जाना है, वहाँ पे इस टाइम -5-7 चल रहा है। तो आई थिंक कौन सा गेयर डाल के जाना है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल कर सकते हैं एंड सबको पता ही है। पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली है, एक तो ड्राई फ्रूट कैरी कीजिए, इट विल कीप यू वार्म। गर्म कपड़े तो लेने ही हैं बट ये ड्राई फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और काफ़ी सारी एनर्जी बार्स कैरी कीजिए यार, क्योंकि ये लद्दाख तो है नहीं भी वहाँ पे आपने मैगी खा ली या कुछ भी खा लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको रास्ते में फिर पेट गड़बड़ हो गया, आप ट्रैक कैसे करेंगे। इट इज़ नॉट दी रोड ट्रिप, ये तो आपको पूरा ट्रैक करना है, ऑलमोस्ट आना जाना 60 किलोमीटर का ट्रैक हो जाएगा। सो ये चीज़ें हैं। बाकी मेडिसिन अपनी हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की, माउंटेन सिकनेस की, वॉमिट्स, जुकाम की, और बाकी अगर किसी को एलर्जी है तो उस हिसाब से कुछ एंटीबायोटिक्स लीजिए, मसल रिलैक्सेंट लेके जाइए। बट इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कुनाल ज़्यादा बेटर बताएगा बिकॉज ही इज़ मोर इनटू दैट, उसको ज़्यादा पता है। एक्चुअली अपना बीमार होके लद्दाख से उसने सीख लिया है क्या कुछ लेकर जाना है। तो प्लान बस ये है यार, हम अराउंड यहाँ से चंडीगढ़ से 12 बजे निकलेंगे। अभी कुनाल ने मुझे पिक करना है, इज़ कमिंग फ्रॉम मलेरकोटला, देन वी विल पिक नवदीप। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी यार। तो कुनाल इज़ कमिंग, जैसे भी आता है फिर आपको उससे मिलाता हूँ, कैमरा फिन ऑन करता हूँ। टिल देन सी या बाय बाय। यार कुनाल आ गया, पहले उससे मिलाता हूँ आपको, फिर बस उसके बाद वी विल पिक नवदीप। तो ये आ गया यार अपना कुनाल। हाँ भाई, मैंने एक वाला किया इनसे, मैंने बाकी डिटेल तो बता दी थी। हाँ। मैं दवाइयों का वही बता सकता दवाइयों का इतना बड़ा बैग लेके आया हूं। और यार वो एक, इस बार हम कोशिश करेंगे जो भी दवाइयां लेके जा रहे हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन च पा देंगे नाम, बाकी ये आपको बता भी देगा। मतलब इज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब पहाड़ों में नहीं प्लेन में भी बीमारी रहता है, मतलब पर फिर भी देखो हिम्मत है। बीमार थी परसों तुम, वो तो मौसम देखो इतना खराब है। एंड बस अब नवदीप को उठाना, एंड यस वी विल मिस अमित पाजी। हेलो अमित पाजी। हाय पाजी। वो बस यार किसी काम में बिजी थे इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम फिर इकट्ठे होंगे। बस अब आपको सीधा नवदीप के पास मिलते हैं यार। बाय बाय। बाय बाय। तो यार वी हैव रीच चंडीगढ़, बस जैसा आपको बताया था नवदीप को पिक करना, उससे मिलाता हूँ। इसके बाद यार अब अगर तो हमने कहीं रास्ते में चाय वगैरह पी, वहाँ कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज सुबह ऑन करेंगे। टाइम हुआ है 1 बज गया यार। तो लो पहले अपने नवदीप से मिल लो, राजस्थान वाले भाई से। Hi guys, how are you? हाँ भी excited है? Yeah, full excited. हमें इसका फोन नहीं मिल रहा था, यहाँ पे पहुंचे इसका फोन बंद, मैं कहा भाई मुकर गया अपना, अब नहीं आता। Yeah. हम इसके घर की तरफ आने लगे तो भाई मतलब घर से पूरी फीलिंग लेके आया, रक्षक डाला हुआ था, बॉटल रखी हुई थी, एंड चलो बहुत देर बाद यार इकट्ठे जा रहे हैं। कुणाल हैप्पी? वेरी मच। चलो जी फिर मिलते हैं रस्ते, टेक केयर, बाय बाय। यार बस हम रुके हैं इस टाइम पौंटा साहब, ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। नवदीप और मैं उतरे हैं, बस कुनाल सो रहा है, सो वी आर गोइंग टू हैव टी। अराउंड चंडीगढ़ से 140 किलोमीटर आ गए हैं। यहाँ से अभी हमने आगे जाना है विकास नगर, देहरादून नहीं जाना है, विच इज़ अराउंड 21 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। वहाँ से सांकड़ी का पता करेंगे किस तरफ जाना है हमने,
एंड मोस्ट प्रॉबली जीपीएस के थ्रू जाएंगे। नवदीप से मिलाता हूँ आपको, यहीं कहीं चाय पी रहा होगा। हाँ भाई। हाँ भाई, थक गए यार, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, कुनाल तो सोया हुआ है। सही बात है, उसकी तो बैटरी पूरे ढंग से डाउन है। चाय ले ले। थैंक यू। 21 किलोमीटर अभी यहाँ, 21 किलोमीटर विकास नगर। तो यार थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, बट वी आर हेल्पलेस, अंधेरा है। टाइम कितना हुआ इसका? 4 बजे। 4 बजे हैं यार, तो होपफुली बस अब दिन हो जाए, फिर प्रॉपर व्लॉगिंग शुरू करेंगे। ये बस छोटा सा स्टॉप था। तो यार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पता नहीं कहाँ पे हम मतलब यार इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी, हमने रास्ते में गाड़ी लगाई और लाइट्स ऑन रह गई, हमारी बैटरी भी ख़त्म, उसके बाद धक्का ला के गाड़ी स्टार्ट की है। और ये कुनाल पीछे आ रहा है मेरे, वो खड़ा नवदीप। ठंड लग रही है? ठंड शुरू हो गई आपको? ठंड काफ़ी है यार, थोड़ी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो बाकी यार अभी आपको जो हम रास्ता बता रहे हैं, बहुत अच्छी सुबह है, बहुत अच्छी। और जो रास्ता बताने जा रहा हूँ ये स्ट्रिक्टली जो लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यार आपको मतलब पंजाब से अगर चंडीगढ़ से आ रहे हो, पहले आपने चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आप पांवटा साहब जाओगे, पांवटा साहब सॉरी चंडीगढ़ से आप पहले नाहन हिमाचल प्रदेश में है जो, फिर आप पांवटा साहब जाओगे, पांवटा साहब से विकास नगर, विकास नगर से बरोट वाली रोड, बरोट है क्या, बारकोट, बारकोट सॉरी, विकास नगर से आप यार बारकोट आओगे, बारकोट, बारकोट। उसके बाद अभी हम खुद ढूंढ रहे हैं हमने जाना कहाँ पे है, जीपीएस यहाँ चल नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे सिग्नल नहीं है। तो बताता हूँ यार आगे का आपको, जहाँ भी अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम हुआ अभी 6:40, बस अभी का यही अपडेट था जी। और ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ वालों के लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने दिल्ली से आना, मुंबई से आना, वो देहरादून से मसूरी पहुँचेंगे, आगे का क्या रहेगा उनका, यमुनोत्री भी, ये रास्ता सच आगे यमुनोत्री भी जाता है जी, वो आपको व्लॉग, आज का व्लॉग जब एंड करेंगे तब आपको सारी आइटनरी बताऊँगा। सो क्या वी आर एट यमुना पुल, यहाँ से मसूरी अराउंड 30-35 किलोमीटर है, बट मसूरी हमने जाना नहीं है। तो अभी बस ब्रेकफास्ट हॉल्ट लिया हमने, ये पीछे मेरे कोई ढाबा है, इसका नाम उल्टा दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, थापा रेस्टोरेंट। और यमुना पुल इसे क्यों कहते हैं, ये देखिए पीछे, इसके कारण इसे यमुना पुल कहा जाता है, नीचे यमुना बह रही है। एज आई टोल्ड यू कि ये रास्ता आगे यमुनोत्री भी जाता है, तो इसका नाम बस नीचे यमुना बह रही है, तो इसका नाम भी यमुना पुल रख दिया। तो बस यार यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे एंड बाकी आप जगह देख लो, दिख ही रही होगी आपको मेरे पीछे, आपको व्यू दिखाता हूँ, देखिए। और इस बार हम ये होंडा जैज़ में सफ़र कर रहे हैं, TU भी हमारी इस बार अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि यही गाड़ी ले चलते हैं, बाकी हमने पता कर लिया था गाड़ी आ जाएगी, तो वो तो यही कह रहे हैं इजीली चले जाएगी, बाकी तो जैसे ही हम सांकड़ी पहुंचते हैं वहां जाकर पता लगेगा कितनी हमें प्रॉब्लम आती है इस कार के साथ, होपफुली सब कुछ ठीक ही रहेगा। और कुणाल जी ठंड, यस अब ठंड काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम ये सोच रहे हैं यहाँ इतनी ठंड है तो ऊपर जाकर क्या होगा। एंड नवदीप जी आई थिंक पता नहीं कहाँ पे गायब हैं, नवदीप जी वॉशरूम गए हैं। तो बस अभी का यही अपडेट था जी। अब यहाँ से कह रहे हैं अभी आगे आपने बाराकोट नहीं जाना, कोई परोली जगह है वहाँ से आपने सांकरी के लिए जाना है, बस इसके बाद अब मैं डैश कैम ऑन करूँगा, फिर वहीं मिलता हूँ आपको, तब तक ये रेस्टोरेंट देखो। क्या खा रहा भाई? हा? क्या खा रहा? तू था खाओ आप मैगी खाओ। यार हम नौगांव पहुंच गए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। तो जब आप नौगांव एंटर करेंगे
यहाँ पे एक इंटरसेक्शन आएगी तो एक तरफ लिखा होगा परोला, वो रोड नीचे को जा रही होगी लेफ्ट हैंड साइड, एक तरफ लिखा होगा बाराकोट, वो ऊपर को रोड होगी। तो साकरी जाने के लिए आपको परोला वाली रोड पकड़नी है, बाराकोट नहीं जाना। बस ये एक छोटा सा अपडेट था, आके आप बता दूं गांव का नाम है नौगांव से आपने टुवर्ड्स परोला जाना है और उसको छोड़ देना है, बाराकोट वाली रोड छोड़ देनी है। बस ये अपडेट था, थैंक यू। यार वी आर जस्ट अबाउट टू रीच परोला, बस यार परोला पहुंचने की वेट कर रहे हैं ताकि वहां जाकर अपना ब्रेकफास्ट कर पाए, ब्रेकफास्ट किया नहीं है, क्वाइट हंग्री। एंड सांकरी का तो अभी कोई बोर्ड आया नहीं, तो वहीं जाकर पता लगेगा हम कितने किलोमीटर उससे पीछे हैं अभी। और एक इन्फॉर्मेशन थी यार, सिग्नल का काफ़ी इशू है, एयरटेल जियो वोडाफोन सारे हैं। कुणाल चल रहा है तेरा? वोडाफोन चल रहा है अभी राइट नाउ। नदी तेरा? जियो भी चल रहा है, वोडाफोन भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। एयरटेल इस जगह पे तो नहीं चल रहा, बाकी बीच में आता है। अच्छी वैली है, हाँ वैली बहुत अच्छी है। तो यार मतलब जब भी आप यहाँ पे आए अपने घर पे इन्फॉर्म करके आए कि आपके फ़ोन नहीं चलेंगे, बाकी एग्जैक्ट स्टेटस तो आपको मैं सांकरी जाके बताऊँगा। इन्फॉर्मेशन यही है कि किसी कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं है यहाँ पे, तो घर वाले टेंशन ना ले, इसलिए उनको बताकर आइएगा कि यहाँ पे सिग्नल नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह का सिग्नल। वी आर एंटरिंग परोला, जो आपको मैंने वो बाराकोट के टाइम बताया था कि आपने बाराकोट ने टुवर्ड्स परोला जाना है, और यहाँ से आर्की दून बता रहा हूँ, सांकरी नहीं, अराउंड 90 किलोमीटर रह गया है। तो सांकरी यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर होगा, क्योंकि तो दोनों का आपस में 30 किलोमीटर का फासला है, सांकरी और आर्की दून का। बस अब यार वी आर लुकिंग फॉर ब्रेकफास्ट, काफ़ी देर से ढूंढ रहे हैं, वी आर रियली हंग्री, अभी तक हमें ब्रेकफास्ट ही नहीं मिला यार सुबह से। भाई साहब, अंकल आगे कोई खाने की जगह होगी, ब्रेकफास्ट करने के लिए जगह है, खाने के लिए जगह है आगे? खाने के लिए खाना जी? हाँ हाँ खाना चाहिए आगे। तो है रूम पे भी है, इधर पीछे भी है। गाड़ी यहाँ लगा के आगे चले जाए? So we are leaving from Purola, done with the brunch, food was great as Navdeep told you, so bilkul ghar jaisa khana tha ji, food was really great, we had parathas, dahi, butter, badhiya tha, chai was so amazing, adrak wali chai thi, maza aa gaya, aur bande ne khilai bhi aise yaar jaise ghar pe mothers khilati hain, so bas abhi ka yahi tha, bill hamara kitna aaya 350 बिल इसलिए बता रहा हूँ यार, लद्दाख के टाइम हमें काफी लोगों ने बोला कि आप बिल जरूर बताइए ताकि हमें पता लगे क्या खर्चा है। लद्दाख तो बहुत महंगा था। लद्दाख नहीं, लद्दाख का बजट ट्रिप था ही नहीं, तो अपने आप मैंने पहले ही बता दिया था लद्दाख में। बट इस टाइम हमारी पूरी कोशिश है यार भी हम बजट ट्रिप बनाएंगे, और कहाँ पे हमने सांकरी में रुकना है, उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। एंड अब यहाँ से हारकी तो 95 है, और सांकरी वही यहाँ से 60 होगा। तो बस यार
आई थिंक हमें अराउंड अराउंड 3 घंटे और लग जाएंगे, 11 बज गए हैं, तो मोस्ट प्रॉबली सही टाइम चल रहे हैं आपका रुकते रुकाते भी जाएं तो मैक्सिमम हम वहाँ पे 3 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो गुड गोइंग अभी तक, बढ़िया। उत्तराकाशी में है पुरोला, उत्तराकाशी ये जो पुरोला जगह है ये है उत्तराकाशी में। उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है जी, ये डिस्ट्रिक्ट है, बाकी पंकज ने आपको बताया भी उत्तराकाशी के बारे में थोड़ी देर पहले डिटेल में काफी अच्छे से। बाकी इसकी मौसम वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है ड्राइव करके यहाँ पे, तभी ड्राइव कर रहा है। एंड बाकी हमारे नवदीप भाई साहब के क्या विचार हैं वो आप उनसे ही जानेंगे, अगर बीच में आ जाए नवदीप जी। मिस्टर नवदीप होंगे ऑसम व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे ट्रिप का। मैं मेरे ख्याल से मैं पूरे थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आते भाई साहब ये लीजिए आप पास आ जाते हैं हाय। हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम वादियों में घूम रहे हैं, ये भाई साहब हमें घुमा रहे हैं पूरा, देखो ड्राइविंग में कम मजा आ रहा है, घुमाने में ज्यादा मजा आ रहा है। अब सड़क ही नहीं है, मैं क्या करूं? आहो, सड़क तो ठीक है, लेकिन ये भाई साहब जो है ये लगता वीडियो, वीडियो के ऐसे लग रहा है जैसे ट्रक चला रहे हैं कोई भी ड्राइवर हो भाई आप खुद बताओ, जो यहाँ पे कर्व्स होती है स्लो चलानी चाहिए, हम गाड़ी में ट्रक में बैठे तो तारीफ आपने सुन ली, मजा आ रहा है। और डेंगी भी रुकते हैं फिर तीनों थोड़ी खप पाएंगे, आपका मतलब होता फन करेंगे यार, और इस बार हमारी कोशिश है और ये नवदीप की बेडवाइज थी सबकी थी भी, हम अपनी भी इंटरेक्शन थोड़ी ज्यादा दिखाएं, तो चलो सी यू जहां भी रुकते हैं। बस यार कंट्रोल नहीं हुआ, नवदीप कुणाल कहते यार यहाँ रुकना, वैसे तो हम जाकर रेस्ट करना चाहते हैं, बट इस जगह को यार क्या बताऊँ, मतलब प्यारी इतनी है, शांति इतनी है, फ्रेश इतनी है कि रुके बिना रहा ही नहीं गया। एक मिनट नहीं 5 सेकंड आप सुनो, शायद आपको वो इंसेक्ट की साउंड शायद आपको इंसेक्ट की साउंड सुन रही हो, पर उससे पहले एक चीज़ दिखाते हैं आपको, कुणाल दिखा। So we find this. तो हम ये यहाँ से इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं, जो भी बेटर बनेगा कलर करके अच्छा सा शोपीस बनाएंगे। ये आपको मोरनी में बहुत सारे मिल जाएंगे, मोरनी में भी बहुत मिलते हैं। तो मतलब नदीप के कहने का मतलब ये अभी इतने धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप मोरनी से ले आ सकते हैं। उत्तराखंड की यादें काफी इकट्ठे करूंगा। एंड दिस प्लेस इज रियली गुड गाइस, दिस प्लेस इज रियली गुड, मतलब खैर सजेशन सारी टीम का ही होता है, फ्रॉम आवर साइड 10/10, मतलब इससे अच्छा पीसफुल ग्रीनरी, खैर पीसफुल तो लद्दाख भी बहुत है, पर ग्रीनरी के साथ जब आपको ऐसा पीस मिलता है ना यार, माइंड ब्लोइंग। तो लुक एट दिस गाइस, ये क्या किया हुआ है, ये इन्होंने कट्स मारे हुए हैं, अब ध्यान से देखिए, ठीक है जी, और आपको डीप लेके जाता हूँ, सॉरी नज़दीक लेके जाता हूँ, ये देखिए यार, ये वैक्स आ रही है, अब ये जो वैक्स है ये इन कट्स में से होती हुई कहाँ जा रही है, यहाँ पर कलेक्ट हो रही है, सो गुड आइडिया, आई थिंक या तो इसे पेपर बनता होगा या गम बनती होगी, आई एम नॉट श्योर, ये मुझे बस ऐसे ही रैंडमली, मैं तो घूम रहा था मुझे दिख गया, तो सोचा अपने व्यूअर के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, सो आई होप यू लाइक दिस थिंग, मतलब इट इज़ न्यू फॉर मी, मुझे पता था इनसे पेपर बनता है, इनसे गम बनती है, पर कैसे कलेक्ट किया जाता है वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा। हेलो व्यूअर्स,
हम ना आप जा रहे थे रास्ते में जंगल में, हमें एक ऐसी चीज मिली जो आपको दिखाएंगे आप खुद हैरान रह जाओगे ये है क्या, किसी ने सजाया हुआ है कि क्या है। पंकज भाई दिखाओ सबको। मैं दिखाता हूँ। लुक एट दिस ट्री। देखो यार पेड़ देखो, उस पर कलर्स देखो, फ्लावर जो पत्ती हैं उनके कलर्स ऑसम। मैंने जिंदगी में नहीं ऐसा कभी देखा और उम्मीद ये कर रहा हूँ आप लोगों ने भी देखा होगा कभी इतना अच्छा पेड़। इट्स रियली ब्यूटीफुल। नवदीप आर्टिफिशियल ही लग रहा है भाई। फाइनली वी आर विथ सांत्री एंड वी वॉन्ट टू चेक इन अ होटल दैट इज स्वर्ग रोहिणी, बट आई थिंक रूम्स अभी उन्होंने क्लीन करने हैं, सो वी डिसाइडेड तो यार पहले लंच कर लेते हैं। लंच इंक्लूडेड नहीं था इनके पैकेज में, कल से सब कुछ इंक्लूड है, बट आज का लंच हमने वैसे गलत किया यार, इसमें लंच बीच में बनता था। वही होता है यार, तभी मैंने कहा था कि पहले देख लूँ, नंबर तो मैं डिस्क्रिप्शन तभी छोड़ूंगा अगर हमें सर्विस अच्छी मिलेंगी। आई विल टॉक टू हिम रिगार्डिंग दैट। नाउ वी आर हैविंग आवर मील इन दिस रिंकी भोजनालय, सो वी आर हैविंग दाल चावल। और आप भी कोशिश कीजिएगा, डू नॉट टेक एनी रिस्क बिकॉज कल ट्रैक जाना है, तो दाल चावल ही खाइएगा। नवदीप ने पूछा था हर की तुम किस तरफ है, और नवदीप अभी थोड़ी सर्च करके आएगा तो शाम को ये एक्सप्लेन करेगा आपको भी किस, मतलब हर की धुन तो नहीं पर किस तरफ केदारकांत है और किस तरफ हर की धुन है और भी पता कर, और भी बेस कैंप से आए हैं सार, मतलब तीन चार जगह का बेस कैंप है ये, तो मतलब चॉइस हो जाती है आपके पास। बाकी मैं आपको इनका जो छोटू सा है जहाँ हम खाना खाने लगे, बाकी एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए तो अपने घर वालों को बता के आए कि सिग्नल नहीं मिलेगा आपको। वो कुनाल बड़ा चंबल रहा था वहाँ पे, मेरा जियो चलता है ये चल, कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल मतलब आप दुनिया से कट जाएंगे। और होप के नाम पे एक DSNL का टावर है जो खराब ही रहता है, तो फिर भी आप ले आइए, कई बार किसी को एमरजेंसी होती है, एंड गो फॉर पोस्टपेड क्योंकि पोस्टपेड की कनेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। चलो आपको अंदर से दिखाते हैं। ओके तो यार रूम तो मिल गया, साफ हो गया बिल्कुल, बस कुणाल और नवदीप अंदर है, आपको उनसे मिलाता हूँ, रूम दिखाता हूँ आपको। बैठे जी कुणाल जी, तो लेट भी गए हैं। नवदीप का बस यार ये देखो शेयरिंग रूम है हमारा, ये दो बेड, वहाँ मैं सोऊंगा, ये कुणाल, इस जगह पे नवदीप ने कब्जा कर लिया, कारण है ये एक्स्ट्रा पैसे भी देगा। ये सामने देखिए माउंटेन व्यू, तो बस यही था यार, अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद अभी हमारे गाइड ने आना है, वो हमें सारी आइटनरी समझाएगा कैसा प्लान रहना है हमारा, फिर आपको बताता हूँ जो भी इसके बाद होगा, बस वो क्लोजिंग व्लॉग ही होगा हमारा, उसमें आई विल लेट यू नो कल का हमारा क्या प्लान रहेगा। तो व्यूअर्स इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, तो बस यार वी आर डन विद द डिनर, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एंड एक एडवाइस सबको भाई अपने घर पे बता कर आना, यहाँ पे किसी भी फ़ोन का सिग्नल नहीं है, नवदीप ने जो बात आपको बताई थी, ना जियो ना वोडाफोन ना एयरटेल। एंड कल का प्लान बस हम यहाँ से यार तालुक को जाएंगे, तालुक को यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर है, और वहाँ तक हम कार में जाएंगे। आगे नवदीप कहाँ जाना है? उसके बाद में स्टे करना है चिलूरगाड़ में, जो कि 12 किलोमीटर का ट्रैक है फ्रॉम तालुक का, तो वहीं पर हमारा कैंपिंग होगी और वहीं पर। एंड कुणाल की कुछ देर है अपन देंगे, तीन टाइम के मील्स, एक प्लस लंच डिनर, सूप देंगे, चाय देंगे, पकौड़े देंगे, और बॉइल्ड एग और मैगी एक्सेट्रा अपने वो मैं आपको बताऊंगा जब हम या अलग व्लॉग बनाऊंगा या जब हम एंड करेंगे, उस दिन बताऊंगा भी क्या इनके चार्जेस थे और कैसी इनकी सर्विस थी। उस अगर सर्विस अच्छी लगी तभी उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा, ताकि हमारा कोई भी व्यूअर दुखी ना हो। चलो यार फिर इसके बाद अब कल मिलते हैं आपको, सुबह हमने 7 बजे यहाँ से निकलना है। Till then, do what you love. Love what you do. Bye-bye. Bye-bye. Good night.